टाइम पहले मैंने भारत पे एप्लीकेशन से लोन लेके दिखाया था, और वहाँ पर जो है लोन कंप्लीट प्रोसेस करके मैंने दिखाया था, और दोस्तों मेरा लोन जो था वो पेंडिंग में चला गया था। तो दोस्तों आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो मेरा लोन पेंडिंग में गया था वो लोन अभी मेरे बैंक में डिसबर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरा लोन जो है पेंडिंग में चला गया था। और दोस्तों आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके पूरा देखिएगा, अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको भी दिक्कत आ सकती है, फिर आपका भी लोन पेंडिंग में जा सकता है, फिर हो सकता है लोन आपका बैंक में भी नया आए और महीने दो महीने ऐसे ही दिखाता रहे, ठीक है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, जो गलती मैंने की है वो गलती आपको नहीं करनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की थी, मेरा लोन जो है पेंडिंग में चला गया था, और आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लोन मेरा बैंक में आया है या फिर नहीं आया, मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कभी कन्फ्यूजन रहा करे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लिया करो, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं भारत पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो देखो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ पर हम ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा भारत पे इजी लोन वाला, ठीक है, सिंपल सा लोन जहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने का लोन लेकर के दिखाया था। यहाँ पर दोस्तों चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना लोन का स्टेटस चेक करने वाले हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो लोन थी वो दोस्तों कितनी थी। देखो लोन यहाँ पर 5100 रुपये की थी, और 2.5% के हिसाब से पर मंथ में हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगने वाला था। हमारी जो दिन की इंस्टॉलमेंट थी वो थी 105 रुपये EDI, और यहाँ पर 2 मंथ के लिए हमको लोन मिलने वाला था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा सबमिट कर लिया गया था और KYC भी वेरिफिकेशन हो चुकी थी। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह गया और डिसबर यानी हमारे बैंक में पैसा आने को रह गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोटिस भी लिखा हुआ है कि मनी ट्रांसफ़र इन नेक्स्ट 5 डे, यानी कि आपके 5 दिन बाद मनी ट्रांसफ़र बैंक में हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज पूरे 4 दिन हो चुका, अभी इसका कोई रिस्पांस नहीं आया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड नहीं आया, और काफ़ी बंदों का कमेंट भी आ रहा है कि सर हमारा तो 1 महीने से ऐसे चल रहा है, कई बंदे कह रहे हैं हमारा 2 महीने से भी चल रहा है, कई बंदे बोल रहे हैं कि 10 दिन से ऐसे चल रहा है। तो भाई इसका क्या रीजन है और ये क्यों आ जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई मैंने क्या मिस्टेक की थी, देखो जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा सब कुछ वेरीफिकेशन कराया जाता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग गौर नहीं करते, वहाँ पर नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का इनेस कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। अब इनेस कंप्लीट क्या होता है दोस्तों, इनेस कंप्लीट ऐसा होता है कि आप जब इनेस कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली बैंक से काटी जाएगी, ठीक है। और अगर आपका इनेस कंप्लीट करने के लिए नहीं आ रहा तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बैंक से आपका लिंक है मोबाइल नंबर, देखिए भाई जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है उसी मोबाइल नंबर से आपको भारत पे एप्लीकेशन को बनाना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है भारत पे एप्लीकेशन में, और आपको वही बैंक यहाँ पर लिंक करनी है जिस बैंक से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। और वो बैंक जब इसमें लगाएंगे आप लोन के लिए प्रोसेस करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिए भारत पे एप्लीकेशन आपकी जो फैक्चिंग डिटेल है वो ले लेता है। आप जब कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड की पूरी डिटेल ले लेगा, फिर वहाँ पर आपको मेंशन कराया जाएगा, और वहाँ पर आप ओके करेंगे तो आपका इनेस कंप्लीट हो जाएगा। इनेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपकी जो लोन है का जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली डे बाई डे करता रहेगा, और अगर आप बैंक में नहीं डालेंगे तो भारत पे के अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वहाँ से आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग तो भारत पे के अकाउंट में ही आपको पैसे डालने होते हैं तो वहाँ से कट होते रहते हैं। अगर आप भारत पे के एप्लीकेशन अंदर अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे तो फिर बैंक से कट होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या गलती की, गलती नंबर मेरी 1 ये है कि मैंने इसमें जो अकाउंट बनाया है वो मेरा जो नंबर है बैंक से लिंक नहीं है। दूसरी गलती यहाँ पर ये है दोस्तों कि मैंने इस एप्लीकेशन में इनेस कंप्लीट भी नहीं किया है, इनेस कंप्लीट ना होने की वजह से यहाँ पर मेरा लोन जो पेंडिंग में चला गया। अब दोस्तों जिन भाइयों का लोन ऐसा पेंडिंग में गया है और मान लीजिए उनका जो एप्लीकेशन है अदर नंबर से बना हुआ है और अब तो बन चुका है, एक बार दोबारा तो बनेगा नहीं, तो आप मेरी राय मानिए, आप क्या करें, आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को चेंज करके आपको भारत पे के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर को आपको उस बैंक में लिंक कराना है जो बैंक आपने इसको दी हुई है, ठीक है, उस बैंक में लिंक करा देंगे तो भाई आपका जो जो इनेस कंप्लीट है वो हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपकी लोन भी बैंक में आ जाएगी।
जहाँ तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5100 रुपये या फिर 10,000 रुपये तक के लिए इनेस कंप्लीट नहीं किया जाता है। इनेस कंप्लीट करवाने के लिए दोस्तों 1-2 लाख की अगर आप लोन लेते हैं तब जाकर के इनेस कंप्लीट का ऑप्शन आता है। मैंने इस पर दोस्तों कस्टमर केयर से भी बात की, कस्टमर केयर का यही रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई बोलता है कि इनेस कंप्लीट नहीं किया है, कोई बोलते हैं कि 5100 रुपये में इनेस कंप्लीट नहीं किया जाता है, आपका लोन विदिन 5 दिन या 6 दिन में बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पर मेरा यही ओपिनियन है दोस्तों कि यहाँ पर इनेस कंप्लीट ना होने की वजह से आपका जो लोन है वो पेंडिंग में चला जाता है, और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको बता भी दिया, और अगर आप और भी सॉल्यूशन इसका जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो बना करके आप दोस्तों कस्टमर सपोर्ट को सेंड कर दें, वो इसकी जाँच पड़ताल करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है और आपकी लोन क्यों नहीं बैंक में जा रही है। ठीक है, तो गाइस ये मिस्टेक मैंने की है और ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रहे। आपको उसी मोबाइल नंबर से बनाना है अकाउंट जो बैंक में लिंक है, और उसी बैंक को यहाँ पर डालना है जो भारत पे से नंबर लगा हो, बैंक में भी लगा हो, तब जाकर के आपका ये कंप्लीट होगा। इनेस कंप्लीट करना ना भूले, अगर इनेस का ऑप्शन आता है तो इनेस आपको कंप्लीट जरूर करना है। दोस्तों वीडियो में बस इतना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।